हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबको मैजिक जोन के एक नए वीडियो पे। दोस्तों आप सबको होली का बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। आप सब बढ़िया तरीके से होली खेलो, सेफली खेलो, क्योंकि आप जानते हो कि ये सिचुएशन उतना मतलब डिस्पेक्ट होने का नहीं है। आप लोग सेफली होली खेलो, इंजॉय करो, लेकिन सेफ करो, ठीक है, जिससे कि किसी को परेशानी ना हो और आप भी किसी परेशानी में मत फंसो। तो आज क्या होने वाला है इस वीडियो पे, आज होने वाला है एक स्पेशल मैजिक, ठीक है। अब स्पेशल मैजिक क्या, स्पेशल मैजिक वो है कि फ्रेंड्स, मैं जब मैजिक दिखाता हूँ तो मैं क्या मैजिक दिखाता हूँ, ओके। तो वन ऑफ द मेरा बेस्ट मैजिक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट मैजिक जो मुझे लगता है कि मुझे आता है, तो उसी मैजिक में से एक मैजिक मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ओके। तो एकदम रिलैक्स होकर बैठो, क्योंकि आज आप देखने वाले हो अपने भाई का एक बहुत ही अच्छा मैजिक। तो मेरे पास ये एक डेक ऑफ कार्ड्स है और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एकदम सारे एकदम रैंडम से मिक्स है, ठीक है, इसमें कुछ भी चालाकी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो अब इसको कर लेते हैं बंद। अब क्या करेंगे, हम इस कार्ड को सफल करेंगे, ठीक है, जितना मर्जी सफल करेंगे। तो ऐसे कर लेते हैं सफल, आपको दिखाते हैं कि सफल हो रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है, मैं एकदम देसी तरीके से सफल करता हूँ, ठीक है। तो इस ऐसे सफल करने के बाद कोई भी कार्ड अपने पिछले जगह के हिसाब से नहीं रहेगा, ओके। तो अब देख सकते हो, तो अब हम लोग करेंगे मैजिक। तो मैजिक क्या होगा, मैजिक होगा चार कार्ड से, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कार्ड, ठीक है। चारों कार्ड मैं सिलेक्ट करूंगा और वो आपको याद में रखना है, ठीक है, आपको यही टास्क मैं दूंगा कि आपको ये याद में रखना है। तो पहला वाला कार्ड जो है जैक ऑफ क्लब, तो जैक ऑफ क्लब्स को रखते हैं इधर, ठीक है। तो अब थोड़ा सा और भी सफल करेंगे, ठीक है, और देखते हैं ऊपर वाला कार्ड अभी क्या है। तो ऊपर वाला कार्ड है फोर ऑफ हार्ट्स, तो फोर ऑफ हार्ट्स को रखेंगे इधर, ओके। तो इसको थोड़ा सा और भी सफल कर देते हैं, ओके। तो अब तीसरा वाला कार्ड, दोनों कार्ड हमने चूज कर लिया, अब तीसरा वाला कार्ड देख लेते हैं, ठीक है। तीसरा वाला कार्ड है एट ऑफ डायमंड, ओके। तो एट ऑफ डायमंड को ऐसे रखते हैं, और अब तो लास्ट कार्ड, ठीक है दोस्तों, लास्ट कार्ड हम चूज करेंगे और वो क्या हो सकता है, देखिए वो हो सकता है क्वीन ऑफ क्लब्स, तो क्वीन ऑफ क्लब्स को रखेंगे इधर, ओके। चारों कार्ड हमने चूज कर लिया है, चारों एकदम रैंडम से, आप सब इसको याद में रखो, क्योंकि आपका भाई ये भूल जाता है। तो क्या होता है जब मैं मैजिक के अंदर ये भूल जाता हूँ, तब मैं एक स्नैप करता हूँ और ऐसे करता हूँ और चारों कार्ड हो जाते हैं, जो कि मुझे ऑलवेज याद रहता है कि चारों एस हो गए, ठीक है। तो ये एकदम याद रखने का सबसे ईजी वे है, आप सिर्फ मैजिक करो और सारे कार्ड को एक कर दो, ओके। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन चारों एस को ऐसे एक एक जगह पे इसको घुसा देंगे, ठीक है, एकदम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में इन सारे कार्ड को रख देंगे, ओके। तो अब आप देख सकते हो इजीली कि ये चारों कार्ड एकदम अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से सफल करेंगे, ओके, जितना मर्जी उतना सफल करो, कोई बात नहीं, ये ऑडियंस भी कर सकते हैं, मतलब मैं जिन लोगों को मैजिक दिखाऊंगा वो भी मैजिक ये कर सकते हैं, मतलब सफल। तो अब सफल करने के बाद ये एकदम पहले जैसा एकदम हो गया है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग आधा कार्ड लेंगे, ठीक है, आधा कार्ड ऐसे लेंगे और इसको आधा सीधा और आधा उल्टा, ठीक है, ऐसे करके सफल कर देंगे इसके अंदर, ओके। आप लोग देख सकते हो इधर आधा सीधा कार्ड है और आधा उल्टा कार्ड है, ओके। अब सबको एक कर लेते और सारे कार्ड को ऐसे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सफल कर रहे हैं, ठीक है, जितना मर्जी उतना सफल कर रहे हैं। अब आप जानते हो कि इधर सीधा कार्ड है, उल्टा कार्ड है, ठीक है, सीधा कार्ड उल्टा कार्ड। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग इस सीधे कार्ड और उल्टे कार्ड को इधर रख देंगे, ओके, और अपना हाथ ऐसे करेंगे और एक मैजिक होगा, वन टू थ्री, और जो सीधा कार्ड उल्टा कार्ड एकदम ऐसे मिक्स हो गया था, अब वो सारे कार्ड एकदम ही एक ही वे पे आ चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हो सारे कार्ड हो गए हैं एकदम सीधे, और इतना सारा जो कार्ड उल्टा था वो सारे सीधे हो गए, ठीक है। तो मतलब इसमें एक हैरान होने का बात तो है ही, लेकिन और भी हैरान होने का बात यह है कि जो एस है वो अपने सही जगह पे, मतलब वो पलट गए, मतलब ऐसा नहीं हुआ है, उल्टा नहीं हुआ है, वो एकदम सीधा ही है, ठीक है, टू थ्री और फोर, और बाकी उनको छोड़ के बाकी सारा कार्ड हो गया है ऐसा। तो आई होप आपको ये मैजिक अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर, जिसे ये मैजिक देखने में अच्छा लगेगा।
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे कोई अच्छी मैजिक के साथ, तब तक बने रहिए मैजिक जोन पे और ऐसे ही औसम चीज सीखते रहिए।